राजस्थान कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट के सुर अब बदलने लगे हैं। पायलट अब पार्टी के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका अभियान और आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। पायलट के बदले तेवर से उनके समर्थक भी हैरान हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी आश्चर्य जताया है। दरअसल पायलट ने एक प्राइवेट एजेंसी को नई पार्टी बनाने के बाद की स्थिति का आकलन करने का ठेका दिया था। पॉलिटिकली एज नाम से इस कंपनी ने अपने सर्वे की रिपोर्ट में नई पार्टी का मामला कमजोर माना। मुंबई में पायलट के साथ लंबी मीटिंग में कंपनी के विशेषज्ञ एनालिस्ट ने सारे समीकरण खिलाफ माने, इसलिए वहां से जयपुर लौटकर पायलट ने भाजपा के नेता किरोड़ीलाल मीणा पर डोरे डाले। पायलट के नजदीकी विधायक जी आर खटाना ने तो खुलेआम एक सभा में कह दिया, मीणा जी हमारे साथ आओ, सीएम बना देंगे। पायलट की सोच थी कि बेनीवाल और मीणा के साथ मिलकर आराम से 50 सीट लाई जा सकती है। सर्वे एजेंसी ने इसकी संभावना भी जताई थी, लेकिन मीणा इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद पायलट को गांधी परिवार के एक दोस्त ने जयपुर आकर समझाया और विरोधी रवैया त्यागने का आग्रह किया, लेकिन अगले ही दिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा घोषित कर दी। इस पदयात्रा में पायलट के अनुमान के हिसाब से न तो भीड़ जुट पाई, न ही उनके समर्थक नेता पहुंचे। इस बीच कर्नाटक विधानसभा के आए परिणाम ने भी उनको हिलाकर रख दिया। पायलट को लग रहा है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, ऐसे में यहीं पर लड़ झगड़ कर टिकट ले लिया जाए और ज्यादा समर्थकों को जिता कर लाया जाए। कांग्रेस में रहते हुए 2023 में मुख्यमंत्री नहीं बने तो 2028 में तो मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। पायलट का तो मन बदल रहा है, पर कांग्रेस के मौजूदा नेताओं का रवैया बदलने के आसार कम है। वो विश्वास करने के लायक हालत नहीं मानते हैं, क्योंकि पायलट कब पलट जाए, कब पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।